Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topic, error. In my last period I had completed preposition. Now we will discuss about the phrase preposition, the error of phrase preposition. दोस्तों आपको मैंने लास्ट पीरियड में बताया था कि प्रीपोजिशन का जो एरर होता है तो इसमें प्रीपोजिशन सीखना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने आपको 26 प्रीपोजिशन सिखाया था. अब फ्रेज प्रीपोजिशन की बात करेंगे. फ्रेज प्रीपोजिशन फर्स्ट ऑफ विथ अ व्यू टू. पहले तो मैं आपको बताऊं कि फ्रेज प्रीपोजिशन को समझना कैसे जरूरी है. इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द फ्रेज प्रीपोजिशन, अगर आप फ्रेज प्रीपोजिशन का मीनिंग जानोगे देन यू कैन एबल टू नो अबाउट द फ्रेज प्रीपोजिशन. तब आप फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में जान सकते हो कि कैसे लगाना है. लेकिन पहले तो आपको इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ विथ अ व्यू टू. देखो दोस्तों विथ अ व्यू टू इसका मतलब एम, उसके उद्देश्य से, उसके हेतु से, उसका मतलब जानना जरूरी है. फ्रेज प्रीपोजिशन में क्या है दूसरा कुछ नहीं, लेकिन आपको उसका मीनिंग जानना जरूरी है. और उसके बाद फ्रेज प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या वर्ब आता है वो कैसा आता है वो आपको खास ध्यान रखना है. तो यहाँ पे अगर विथ अ व्यू टू यूज करते हो तो विथ अ व्यू टू, टू के बाद यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, अरे सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा. क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मीन्स के आई एन जी वाला फॉर्म आएगा. क्या आएगा, आई एन जी वाला, इट मीन्स की प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ही वर्क हार्ड, उसने बहुत हार्ड वर्क किया. विथ अ व्यू टू कौन से उद्देश्य से, क्या हेतु से, गेटिंग फर्स्ट क्लास. उसने फर्स्ट क्लास पाने के लिए क्या किया, हार्ड वर्क किया. उसने फर्स्ट क्लास लाने के लिए, फर्स्ट क्लास पाने के लिए उसने हार्ड वर्क किया. तो यहाँ पाने के लिए उसके हेतु क्या है, एम, एम बताता है. क्या बताता है यहाँ पे विथ अ व्यू टू, क्या बताता है, एम कि उसने फर्स्ट क्लास पाने के लिए हेतु बताता है. उसका उद्देश्य क्या है, टू गेटिंग फर्स्ट क्लास. विथ अ व्यू टू का मतलब होता है यहाँ पे उसका एम बताता है. क्या बताता है, एम. ही वर्क हार्ड विथ अ व्यू टू गेटिंग अ फर्स्ट क्लास, उसने फर्स्ट क्लास पाने के लिए हार्ड वर्क किया. ड्यू टू, ड्यू टू रीजन बताया है, ने कारण, गुजराती में क्या बोलते हैं, ने कारण, उसकी वजह से. आई वॉज एब्सेंट ड्यू टू माई इलनेस. देखो यहाँ पे ड्यूटी के बाद, टू के बाद यहाँ पे क्या आता है, नाउन आता है. खास ध्यान में रखना कि ड्यू टू के बाद हमेशा नाउन रखते हैं. और यहाँ पे जो टू है वो एज अ प्रीपोजिशन है. क्या है, टू एज अ प्रीपोजिशन है. तो आई वॉज एब्सेंट, मैं एब्सेंट था ड्यू टू माई इलनेस, मेरी इलनेस की, मेरी बीमारी की वजह से, मेरी बीमारी की वजह से मैं एब्सेंट था. इंस्पाइट ऑफ, दोस्तों इंस्पाइट ऑफ मतलब ना छतापन अथवा तेम छतापन, इसका मतलब क्या है, गुजरात में हम बोलते हैं ना छता, फिर भी हम बोलते हैं फिर भी, तेम छतापन. देखो दोस्तों यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ और उसके बाद हमेशा हम जनरली नाउन रखते हैं और दूसरा बीइंग भी रखते हैं. इंस्पाइट ऑफ के बाद में बीइंग रखते हैं, लेकिन बीइंग रखते हैं तब वर्ब आता है और इंस्पाइट ऑफ के बाद हम नाउन रखते हैं. इंस्पाइट ऑफ इसके बदले में हम डिस्पाइट ऑफ भी रख सकते हैं. डिस्पाइट ऑफ का मतलब भी वही होता है, ओके. लेकिन डिस्पाइट सॉरी डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट में ऑफ आता है और डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता. सॉरी हाँ, डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट में ऑफ आता है और डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता है. तो यहाँ पे देखो आप
कि इंस्पायर्ड ऑफ हिज वीकनेस, मतलब उसकी वीकनेस की वीकनेस होने पर भी, उसकी वीकनेस होने फिर भी ही वर्क्स सिंसियरली, फिर भी वो काम सिंसियरली करता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट बताता है। इंस्पायर्ड ऑफ हिज वीकनेस क्या बताता है? कॉन्ट्रास्ट, इंस्पायर्ड ऑफ हिज वीकनेस, यहाँ पे वीकनेस नाम है, ही वर्क्स सिंसियरली, फिर भी वो सिंसियरली काम कर रहा है। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा दोस्तों, डिस्पाइट के बाद सीधा नाम, डिस्पाइट हिज वीकनेस, मतलब उसकी वीकनेस होने पर भी फिर भी ही वर्क सिंसियरली। तो क्या फर्क है इसमें ऑफ आता है और नाउन, इसमें ऑफ नहीं आता है डिस्पाइट में और नाउन। इंस्पाइट ऑफ हिज, देखो बीइंग का उपयोग किया है तो यहाँ पे वीकनेस था तो यहाँ पे खाली वीक आएगा, बीइंग वीक। इंस्पायर्ड ऑफ हिज बीइंग वीक, मतलब उसकी वीक होने पर भी फिर भी ही वर्क सिंसियरली, फिर भी वो सिंसियरली काम करता है। तो दोस्तों ये तीनों प्रयोग आपको खास ध्यान रखना है। इंस्पायर्ड ऑफ के बाद यहाँ पे नाउन आता है, क्या आता है? नाउन। और डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, क्या नहीं आता? ऑफ नहीं आता, तो डिस्पाइट के बाद सीधा नाउन आता है, बात का सेंटेंस वही का। और इंस्पाइट ऑफ के बाद अगर बीइंग यूज करते हैं तो यहाँ पे वीकनेस था तो यहाँ पे क्या आया? वीक, समझे? तब ये बदल जाता है, इंस्पाइट ऑफ हिज बीइंग वीक ही वर्क्स सिंसियरली। ओके, नाउ यूज्ड टू मतलब हैबिचुएटेड, क्या आता है? आपकी कोई हैबिट थी पास्ट की वो बताने के लिए यूज्ड टू हम यूज़ करते हैं। यूज्ड टू मतलब उससे आदत होना, पहले की आदत बताने के लिए। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल, देखो दोस्तों यहाँ पे टू एज अ इंफिनिटिव यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? एज अ इंफिनिटिव, इसलिए यहाँ पे वी वन आएगा, क्या आएगा? वी वन। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तब मैं क्रिकेट खेलता था। मिस्टर शाह इज नॉट यूज्ड टू, देखो यहाँ पे एम इज आर वॉज वर आता है टू बी फॉर्म, तब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, मतलब यहाँ पे आई एन जी वाला फॉर्म आता है। कब? जब हम यहाँ पे टू बी यूज करते हैं तब, यूज टू के बाद या पहले, यूज टू के पहले हम क्या करते हैं? एम इज आर, मिस्टर शाह इज नॉट यूज टू लिविंग इन अ फ्लैट, इट मीन्स के टू बी का फॉर्म आता है अंदर सेंटेंस में, तब हम टू के बाद क्या यूज करते हैं? आई एन जी वाला फॉर्म यूज करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू, उसका मतलब भी एम बताता है, उसके जैसा है, विथ अ व्यू टू जैसा है, लेकिन यहाँ पे टू एज अ इंफिनिटिव हो जाए, तो वी वेंट टू थिएटर, हम थिएटर गए थे, इन ऑर्डर टू सी द फिल्म, किस लिए, कौन से उद्देश्य से गए थे? फिल्म देखने के लिए गए थे। तो यहाँ पे देखो, वी वेंट टू थिएटर, हम थिएटर गए थे, इन ऑर्डर टू टू सी, यहाँ पे सी वी वन आया, सी कैसा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे टू एज अ इंफिनिटिव है, वी वेंट टू थिएटर इन ऑर्डर टू सी द फिल्म। तो खास याद रखना कि विथ अ व्यू टू में आई एन जी वाला फॉर्म आता है, बराबर, और यहाँ पे अगर ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू यूज करते हैं तो यहाँ पे टू इंफिनिटिव है, इसलिए यहाँ पे वी वन आ गया। खास ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत गलती होती है, तो एरर में ऐसा ही एरर पूछते हैं, अगर विथ अ व्यू टू यूज किया है बराबर, तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रख दिया होगा, यहाँ पे गेट लिखा होगा, तो आपको एरर, ई एरर आपको क्या करना है? सुधारना है, गेट लिखा है, टू गेट फर्स्ट क्लास ऐसा लिखा है, तो आपको क्या करना है? सुधार के गेटिंग का लिखना है, कौन सा आएगा? वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, तो ऐसे एरर आपको पूछते हैं एग्जाम में। ओके, तो इन ऑर्डर टू आपको मालूम पड़ा है, इन ऑर्डर टू में अगर सीइंग लिखा है तो भी आपको सुधारना है, सी करना है। चलो, बिकॉज ऑफ बी रीजन बताए, नए कारण है, बिकॉज ऑफ माई वीकनेस, मेरी वीकनेस की वजह से, आई कैन नॉट वॉक फास्ट, मैं फास्ट नहीं चल सकता। ओइंग टू का मतलब भी वजह, रीजन। बैरवी इज एबसेंट इन प्रोग्राम, बैरवी वो इज एबसेंट इन द प्रोग्राम, बैरवी एबसेंट है प्रोग्राम में,
ओइंग टू हर इलनेस, उसकी बीमारी की वजह से, ओइंग टू मतलब की वजह से, उसकी बीमारी की वजह से बैरवी क्या है, एब्सेंट है। तो ये भी क्या बताता था दोस्तों, रीजन बताता था। तो ये आपने देखा ओइंग टू, ओके। अब ओइंग टू के बाद क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ, उसका मतलब भी क्या होता है, उसका भी रीजन बताता है, क्या बताता है, उसकी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब भी ने कारण है, उसकी वजह से। उसके बाद भी नाउन ही आता है, फॉर एग्जाम्पल अमिता कुड नॉट, अमिता कुड नॉट अटेंड माय बर्थडे पार्टी, माय बर्थडे पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ हर मदर सिकनेस, ऑन अकाउंट ऑफ हर मदर्स सिकनेस, उसकी मदर की सिकनेस की वजह से, मतलब बीमारी की वजह से अमिता पार्टी अटेंड कर पाई नहीं, मतलब ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है ने कारण, उसकी वजह से, ओके। अब 9 नंबर है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब है ने बदले, उसके बदले में। और उसके बाद भी इंस्टेड ऑफ के बाद नाउन ही आता है, द बॉयज एट आइसक्रीम, द बॉयज एट आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ फ्रूट, इंस्टेड ऑफ फ्रूट, बॉयज ने फ्रूट की जगह क्या खाया, आइसक्रीम खाया की जगह पर। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ की खोज में, फॉर एग्जाम्पल ही वेंट इन सर्च ऑफ द लॉस्ट रिंग। तो दोस्तों ही वेंट इन सर्च ऑफ की खोज में, वो कहाँ पे गया, ही वेंट वो गया कहाँ पे, इन सर्च ऑफ द लॉस्ट रिंग, मतलब उसकी अंगूठी जो खो गई थी वो ढूंढने के लिए गया, किस खोज में, समझे। नाउ 11 नंबर, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब है उसके मुताबिक, उसके अनुसार और उसके प्रमाण से, फॉर एग्जाम्पल यू शुड ड्राइव द कार, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक रूल, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक रूल्स, ओके फ्रेंड्स। सो हियर 11 नंबर ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ इन फ्रंट ऑफ के सामने, हिज बिल्डिंग इज इन फ्रंट ऑफ द गार्डन, उसकी बिल्डिंग गार्डन के सामने, ये तो इजी है। इन फेवर ऑफ मतलब उसकी तरफदारी में, तो ही टूक डिसीजन इन फेवर ऑफ स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट की तरफेण में डिसीजन लिया,
ऑन बिहाफ ऑफ, उसकी बदले में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच प्रपोजिशन, ऑन बिहाफ ऑफ और उसके बदले में, उसकी वती से, उसकी तरफ से, वी वेलकम यू, हम आपका स्वागत करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, हम स्टाफ और स्टूडेंट की बदले में उसकी वती से आपका मैं स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू, वी वेलकम यू, हम स्वागत करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10, हम टेंथ स्टैंडर्ड के बदले में मैं आपका स्वागत, हम आपका स्वागत करते हैं। तो ये भी फ्रेंच प्रीपोजिशन है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड फ्रेंच प्रीपोजिशन, ओके, एंड आई विल गिव यू एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, ओके। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।